नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 9th और 10th की एनसीईआरटी का फेज स्टार्ट हो गया है और यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5। तो पहला लिखा है क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये तो होता है। दूसरा लिखा है हिग्स बोसोन पार्टिकल, ये तो गॉड पार्टिकल वाला, ये नहीं होगा। तीसरा लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रोन, वो आपको पता है, वो नहीं होगा। तो और चौथा लिखा है प्लाज्मा स्टेट, और फिफ्थ लिखा आपका गैस। तो क्या क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा स्टेट होती है, और लास्ट वाली क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो कौन कौन सी नहीं होती, सेकेंड और थर्ड नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 और 3 जो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following correctly describes the evaporation process? तो पहला लिखा है it has a cooling effect, बिल्कुल होता है। दूसरा लिखा है if the surface area is increased the rate of evaporation increased। देखिए आप इसको कपड़े सुखाने के example से ले सकते हैं, जैसे अपन कपड़ों को फैला के सुखाएंगे उतनी जल्दी वो सूखते हैं, क्योंकि जो उसमें से evaporation fast हो जाता है। देन उसके बाद लिखा है इफ ह्यूमिडिटी इज हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है। अगर ह्यूमिडिटी हाई होगी इसका मतलब उसमें वाटर वेपर ज्यादा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये भी सही है। और लास्ट स्टेटमेंट है आपका क्या, हाई टेम्परेचर एंड हाई विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, बिल्कुल सही है। जितना तेज टेम्परेचर होगा और अगर स्पीड भी अगर विंड की ज्यादा होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। देखिए कूलिंग इफेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे हमको स्वेटिंग होती है और हमने मान लीजिए कॉटन का कपड़ा पहन रखा है, ठीक है, तो उसमें से जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो जो उसकी लेटेंट हीट होती है उसी के कारण हमको कूलिंग फील होती है, इट हैज अ कूलिंग इफेक्ट, ऐसा होता है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर हो गया 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहला बोल रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मोर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड, बिल्कुल सही बात है ये। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए हर जो कोई भी सब्सटेंस है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो सॉलिड क्या होता है, सबसे डेंस हो गया, तो उसमें जो मतलब अट्रैक्शन होगा बिटवीन द पार्टिकल्स वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, लिक्विड को, लिक्विड में ज़्यादा होगा किससे, गैसियस से, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो दूसरा है जो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मोर इन गैसेस देन इन लिक्विड, बिल्कुल सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। और इसका आंसर क्या है, पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, नन है इसका आंसर। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसी को 273 केल्विन में लिख देते हैं, 273 ऐड कर देते हैं ना केल्विन स्केल में, हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, ये भी लेटेंट हीट के कारण होता है। सेकेंड वन जो है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, बिल्कुल सही बात है ये, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर हो जाएगा सी बोथ। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, करेक्ट पूछ रहा था, बिल्कुल। नेक्स्ट वन है अपना, सेल्सियस इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की एसआई यूनिट सेल्सियस होती है क्या, नहीं होती, उसकी जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की वो होती है केल्विन। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, केल्विन होती है। दूसरा है व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है, पहला वाला गलत है, ओनली 2 सही है, बी ओनली, इसका आंसर हो गया ओनली 2 बी। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, लिखा हुआ है सॉल्यूशंस कैन बी सॉलिड एंड गैसियस एज वेल अपार्ट फ्रॉम बीइंग लिक्विड, बिल्कुल ठीक है ये। दूसरा लिखा है इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। तीसरा लिखा है आपका ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 30% जिंक होता है, 70% कॉपर, बिल्कुल सही है। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन में जब अंदर जाती है पाथ ऑफ लाइट, जैसे लाइट अगर अंदर पेनिट्रेट करेगी तो वो विजिबल थोड़ी होगी, वही बोल रहा है वो। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट कौन से है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसका आंसर हो गया नन, ठीक है। और नेक्स्ट वन देखेंगे, बोथ सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजेनस मिक्सचर, बिल्कुल सही बात है ये, हेट्रोजेनस मिक्सचर के ही एग्जांपल है, कौन कौन से, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। दूसरा लिखा है आपका टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन सस्पेंशन, देखिए ये गलत है, ये जो टिंडल इफेक्ट है ना वो आपका गलत लिखा, ये होता है कोलाइडल में, सस्पेंशन में नहीं होता। तो दूसरा आप एलिमिनेट कर दीजिए तो वैसे ही आंसर मिल जाएगा आपको 1 और 3, क्या करेक्ट पूछ रहा है। ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल, बिल्कुल सही है ये, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, विच ऑफ दीज आर कोलाइड्स, है ना, एग्जाम्पल जैसे फॉग है, जेली है, क्लाउड है, स्मोक है, बिल्कुल चारों के चारों एग्जाम्पल है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर हो गया 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रोमैटोग्राफी के बारे में है ये,
बोलता है क्रोमैटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूशंस दैट डिजॉल्व, मतलब सॉल्यूट्स है दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। बिल्कुल सही है। ये दूसरा लिखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा लिखा है क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन, ये आपको सॉल्ट वाला एग्जाम्पल याद होगा। ये तीनों बिल्कुल डेफिनेशन ही लिखी हुई है, ये जो आपकी प्रॉपर जो है क्या है प्रोसीजर्स है, तो इनको आप देख चाहिए, कंटेक्चुअल चीज है। ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर है 1, 2, 3 ऑल, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड बट टू एलिमेंट्स मरकरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है ये। और दूसरा लिखा ऑल द नोन एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस, देखिए ऑल द नोन नहीं है, इसमें होना चाहिए मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी होना चाहिए था, ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, यहाँ मिसप्रिंट हो गया। इसका आंसर भी आपका देखिए अभी देखते हैं अपन, पहले अपन देखते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो लगभग 100 के आसपास हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो जो 92 हैं वो नेचुरली ऑकरिंग है और जो बाकी के बचे हुए हैं वो आपके बाद में आर्टिफिशियली मतलब मैन मेड बनाए गए हैं जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द नोन एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तीसरा लिखा है अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस वाइल इन अ कंपाउंड द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये तो आपको पता ही है। तो फर्स्ट और थर्ड आपका क्या हो गया, सही हो गया, और इनकरेक्ट पूछ रहा है, और देखिए आंसर क्या दे रहा है, नन, जबकि दूसरा है आपका क्या इनकरेक्ट है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा, मिसप्रिंट हो सकता है ये ऑल द नोन जो है, तो आप मेजॉरिटी जैसे ऊपर वाले स्टेटमेंट में वैसे लिख लीजिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस, तब हो जाएगा इसका आंसर सी, नन। मुझे लगता है कि आपने सुधार लिया होगा, समझ गए होंगे आप, इनकरेक्ट पूछ रहा है उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर गिवन बाय जॉन डाल्टन, ये गलत है। जो केमिकल कॉम्बिनेशन था वो आपका लेवोइजियर और एक वो थे क्या बोलते हैं, एक दूसरे भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, नीचे दिया होगा उनका नाम, जोसेफ एल प्राउस्ट है वो, ओके। तो उन्होंने दिया था क्या केमिकल कॉम्बिनेशन, और उसी के बेस पे फिर जॉन डाल्टन ने क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी दिया था। तो ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो गए, ठीक है। दूसरे में भी लिखा हुआ है कि लेवोइजियर जो थे प्रोपेगेटेड द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। तीसरा लिखा है इन अ केमिकल रिएक्शन सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द एंड प्रोडक्ट टोटल मास, देखिए ये भी गलत लिखा हुआ है। जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ होता है ना जो मास का, ठीक है, वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है जो, वो तो आपका गलत हो जाएगा। तो तीनों आपके इनकरेक्ट हैं, और पूछ रहा करेक्ट कौन सा, तो कोई नहीं है करेक्ट, नन हो गया इसका आंसर, इसके डिस्क्रिप्शन में भी वही लिखा गया है ना, क्योंकि जो मास होता है कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, बोल रहा है कि IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल सही है, कंटेक्चुअल जानकारी। दूसरा लिखा है वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, बिल्कुल ठीक है। देखिए इसको निकालने के लिए जो एक स्केल का यूज करते हैं उसमें कार्बन 12 का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन भी इसी से रिलेटेड स्टेटमेंट है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ 1 carbon 12 एटम। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, ये कंटेक्चुअल जानकारी है, इसको आप मगअप कर जाइए, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर हो गया सी 1, 2, 3 ऑल। नेक्स्ट वन देखेंगे, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज वैलेंसी, देखिए ये वैलेंसी नहीं है, ठीक है, ये एटमोसिटी होता है, ठीक है, तो आपका पहला ही गलत हो गया, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा जो है सोडियम एंड आयरन आर मोनो एटॉमिक मेटल्स, बिल्कुल सही है। तीसरा है अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन एन एनायन, देखिए ये पे क्या है, ये उल्टा लिख दिया है, ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे ओनली 2 इज करेक्ट, लेकिन पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, द मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है। और दूसरा लिखा है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 mole ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट, नहीं ये तो फिक्स रहता है ना, जो आपका एवोगाड्रो नंबर है नीचे वही दिया हुआ है 6.022 × 10, ये जो 1023 लिखा है इसको 10^23 आप सभी को पता होगा, है ना। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है आपका गलत हो गया, इसी को एलिमिनेट कर देते तो आपका आंसर मिल जाता, करेक्ट पूछ रहा है, 1 and 3 आपका बिल्कुल सही है, तो आंसर हो गया 1 and 3 सी, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वर्ड मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896 बाई विलहेम ऑस्टवाल्ड। बिल्कुल सही है, ये कंटेक्चुअल जानकारी है। सेकेंड वन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिकुलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाई द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर होगा बोथ। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, मैच द फॉलोइंग। देखिए इसमें एक तरफ तो साइंटिस्ट के नाम है और दूसरी तरफ डिस्कवरी है। तो जे जे थॉम्सन ने क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड ने क्या किया था? ये आपके एटॉमिक न्यूक्लियस की बात की थी। नील बोर ने शेल्स की, ऑर्बिट्स की, वो जो शेल्स होती है ना, KL, M, N ऐसे नेमिंग की जाती है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने किया था किसकी? न्यूट्रॉन्स की। तो क्या हो गया? फर्स्ट का डी हो गया, सेकंड का सी हो गया। देखिए कि इसमें फर्स्ट का डी और सेकंड का सी बी में है और बी ही आपका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन देखेंगे अपन। नेक्स्ट है अपना, द मास ऑफ एन एटम इज गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। देखिए गलत बता रहे ना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता ना उसमें, प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। देखिए वो बता रहा था मैं, जैसे के होती है, एल होती है, तो बोल रहा है कि आउटर मोस्ट में सबसे ज्यादा 8, जैसे 2, 8, 8 ऐसे, 18, 32 ऐसे होता है ना, तो बोल रहा है कि 8 होता है। ये बिल्कुल सही है। हीलियम इज द ओनली इनर्ट गैस विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। बिल्कुल सही बात है। ये पूछ क्या रहा है, करेक्ट कौन सा है? तो पहला जो आपका था वो इनकरेक्ट है और 2 और 3 आपका है जो करेक्ट है। तो 1 को आप ऐसे भी एलिमिनेट कर देते तो आपका आंसर मिल जाता बी, आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन। इसमें बोल रहा है, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखिए उल्टा बता रहा है, ये तो मास बताएगा ना ऐसे में, ये तो एटॉमिक नंबर नहीं बताएगा। नेक्स्ट वन अपन देखेंगे, पहला वाला गलत हो गया आपका, ठीक है, पहला एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए क्या मिलता है, 2, 3 और वो बच गया। तो देखिए, द मास नंबर इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखिए ये भी गलत है आपका, ठीक है, मास नंबर भी ऐसे नहीं बताया जाता, ठीक है। और तीसरा लिख रहा है कि इफ एन एलिमेंट, ऊपर वाले से बता रहा था, इफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड, जैसे ये लिखा है X, 2 और 7 लिखा है ना, तो ये आपका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर, ये हो गया आपका मास नंबर। वही बता रहा है आपका, 7 इज द एटॉमिक नंबर एंड 2 इज द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट एक्स। देखिए मिसप्रिंट हुआ होगा, आप इसको ऐसा समझिएगा कि जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो आपका मास होता है और जो नीचे लिखा हुआ होता है वो आपका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ये दरअसल ऐसा लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो आपका 2 हो गया मास नंबर और 7 हो गया आपका क्या, क्या हो गया आपका, वो क्या हो गया, 2 हो गया एटॉमिक नंबर और 7 हो गया आपका मास नंबर। देखिए फिर से समझ लीजिए, आपने वैसे ही पढ़ा होगा, ठीक है ना, जैसे 1H2 पढ़ते हैं ना अपन, 1H2 है, तो 1 क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर हो गया, 2 हो गया आपका क्या हो गया उसका मास हो गया, ठीक है। तो वही लिखना चाह रहा है वो, तो इसमें करेक्ट की बात कर रहा है, तो सिर्फ तीसरा आपका करेक्ट है, 3 ओनली डी, इसको सुधार लीजिएगा, मिसप्रिंट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स, ठीक है। मतलब एटॉमिक नंबर्स तो डिफरेंट हैं लेकिन उसके मास नंबर जो है सेम है, बिल्कुल सही है, आइसोबार बोलते हैं उनको। और दूसरा में लिखा है, एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, मिसप्रिंट हो गया होगा, आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे आइसोटोप की बात करना चाह रहा है ये, ठीक है। और तीसरा जो है, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नेमली प्रोटियम होता है, डिट्रियम होता है और ट्रिट्रियम होता है, 1H1, 1H2 और 1H3 की बात कर रहा है ये, ठीक है। तीनों बिल्कुल सही है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, लेकिन पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, नन हो गया इसका आंसर डी। नेक्स्ट वन देखेंगे, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ऐसा नहीं होता भैया, ये गलत है। दूसरा लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, ये बिल्कुल सही है। तीसरा लिखा, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 2000 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। पहली बात तो ये हाइड्रोजन के कंपेरिजन में लिया जाता है, ठीक है, जो हाइड्रोजन का आइटम होता है, और ये 2000 टाइम नहीं, 1/2000 टाइम। तो तीसरा भी गलत हो गया, ओनली 2 इज करेक्ट, आंसर हो गया इसका सी। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में भी वही दिया गया है कि द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2 है, ये 2000 टाइम्स द मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सेलेक्टिव
परमिएबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है ना। तीसरा लिखा डिफ्यूजन इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट भी। और फोर्थ लिखा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर हो जाएगा ऑल। देखिए कहां पर है, बी में है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला बोल रहा ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल सही है। जो ऑस्मोसिस होता है वो कहां से कहां तक होगा, हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से कहां तक, लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन तक, किससे होगा मतलब किसके थ्रू होगा, सेमी परमिएबल मतलब आपका मेम्ब्रेन जो होती है उसके थ्रू, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा वॉटर कैन इंटर द सेल थ्रू ऑस्मोसिस, बिल्कुल सही है, आरओ सुनते होंगे ना आप, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसी का रिवर्स है ऑस्मोसिस, ठीक है। तो वाटर कैन इंटर द सेल थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर हो जाएगा ऑल सी, 1 2 3। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज बाय सेल्यूलोज, बिल्कुल सही बात है, ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा प्लाज्मोलिसिस जो बोलते हैं अकर्स व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मेसिस, बिल्कुल बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 बोथ। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RER को लेके है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड लाइजोजोम्स अटैच टू इट्स सर्फेस, पूरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर करेक्ट है, लाइजोजोम नहीं होता, ये राइबोजोम है, क्या ये राइबोजोम्स है ये, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका पहला स्टेटमेंट, पूरा सही है लेकिन अगर यहाँ पर राइबोजोम लिखा होता तो, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा लिखा है द राइबोजोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स एंड आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, बिल्कुल सही है ये। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला आपका गलत हो गया, ओनली 2 बी का आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, इसमें लिखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा लिखा आपका गॉल्गी एपरेटस, तीसरा लिखा है लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स क्या होता है आपका, इसी को बोलते हैं सोसाइट बैग्स बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है एटीपी जनरेशन होता है, ठीक है। फिर प्लास्टिक कंटेंट्स होता है और वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स होता है ना इसी को बोलते हैं स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। प्लास्टिक्स तो आपको पता है ना, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट जो अपन ने पढ़ा था वो है आपका। तो क्या हो गया आपका, मतलब अपन देख लेते हैं कि छठवे का आपका क्या हो गया, ई हो गया, और फिफ्थ का आपका हो गया एफ, फिफ्थ का आपका एफ और सिक्स का ई, मतलब बी में है, आपका आंसर होना चाहिए बी, और बी ही आपका आंसर है। तो फर्स्ट का हो गया क्या, सी हो गया, ठीक है ना। मतलब जो इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, ये करता है ना। फर्स्ट का आपका सी हो गया, सेकंड का आपका क्या, गोल्गी एपरेटस का, ये इसको बोलते हैं सिस्टम्स, ठीक है। लाइजोसोम्स आपको बताई दिया, थर्ड का ए है माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ का बी है ना, थर्ड का ए है और फोर्थ का बी है, फिफ्थ का आपका क्या हो गया, आपका फिफ्थ का हो गया एफ, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, जो प्लास्टिड्स लिखा हुआ था, और वैक्यूल्स जो होता है स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड होता है। तो आंसर हो गया आपका बी, कंटेक्चुअल है, जरूर देख जाइएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग मेरिस्टमेटिक टिश्यूज टू द लोकेशन वेयर दे आर फाउंड। तो पहला लिखा है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, तो ये ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स, और ये जो रूट्स लिखा है इसको आप यहाँ लिख लीजिएगा, ये रूट्स है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है, और ये होता है गिर्थ ऑफ स्टेम और रूट, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा लिखा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये बेस ऑफ द लीव्स और इंटर नोड्स होता है, तो बिल्कुल सही मैच है तीनों, इसका वन का ए, टू का बी और थर्ड का सी होगा, आंसर होगा ए। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है आपका पैरेन्काइमा, ठीक है, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को लेके। तो पैरेन्काइमा जो है आपका वो क्या करता है, स्टोर्स फूड, बिल्कुल सही है, ठीक है, और जो कोलेन्काइमा होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है प्लांट्स में, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, उसमें मतलब वो टूटता नहीं है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, आप देखेंगे उसको, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा जो है मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, तो थर्ड का हो गया आपका बी, टू का हो गया सी और फर्स्ट का हो गया ए, मतलब फर्स्ट का हो गया ए, सेकेंड का हो गया सी और थर्ड का हो गया बी, तो आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट बोल रहा है, और पहला लिख रहा है कि स्क्लेरेन्काइमा आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू अ केमिकल कॉल्ड लिग्निन, ठीक है, और दूसरा लिखा है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, दूसरा लिखा है कि व्हेन पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तब उसे क्या बोला जाता है, क्लोरेन्काइमा बोला जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स ऑफन सेक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर
ऑन देयर आउटर सर्फेस, बिल्कुल सही है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, विच ऑफ दीज इज करेक्ट रिगार्डिंग जाइलम एंड फ्लोएम। तो पहला लिखा है जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, वाइल फ्लोएम इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। पहला बोलते हैं सीप ट्यूब्स, दूसरा बोलते हैं कैंपेनियन सेल्स, तीसरा बोलते हैं अपना फ्लोएम फाइबर, और फोर्थ है अपना द फ्लोएम पैरेन्काइमा। बिल्कुल सही है, पूरा स्ट्रक्चर बताया है, बिल्कुल सही है, आप देख जाइएगा, बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ। नेक्स्ट देखेंगे अपन, इसमें बोलता है ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन अवर बॉडी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट वन देखेंगे, बोन्स लिगामेंट एंड कार्टिलेज आर कनेक्टिव टिश्यूज इन अवर बॉडी, ये भी आपको पता है, दूसरा भी सही है, द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स आर ऑल कंपोज ऑफ द नर्वस, अपने जो नर्वस टिश्यूज होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल सही है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, करेक्ट पूछ रहा है, तो ऑल इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटिकर एंड कॉल वोसेस आर एसोसिएटेड विथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन टू ब्रॉड कैटेगरी किंगडम। आपने सुना होगा ना, मोनेरा, प्रोटेस्टा, है ना, वही है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो है, ए स्पीसीज इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपिचुएट, ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर हो जाएगा बोथ। देखिए आंसर इसका बोथ सी आंसर, ठीक है, वही मैं बता रहा था आपको, जो किंगडम में मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, फंजाई है, प्लांटी और एनिमेलिया है। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, विच ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हायरार्की ऑफ ग्रुप क्लासिफिकेशन। तो पहला क्या है, देखिए ये कंटेक्चुअल क्वेश्चन, इसको देख जाइए, फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स, बिल्कुल सही है। दूसरा क्लास होता है, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस और स्पीसीज, तो पहला ही आपका सही है, ठीक है, और कंटेक्चुअल चीज है, इसको देख जाइए, इसका आंसर होना चाहिए ए, ए ही है इसका आंसर। नेक्स्ट वन देखेंगे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटी और क्या, एनिमेलिया, ठीक है। तो देखिए एनिमेलिया में सबसे पहले तो आप एनिमेलिया को देखिए क्या होना चाहिए, आपका एनिमेलिया पहले ही दिया हुआ था, ऑक्टोपस है, फिफ्थ का ए हो गया, ठीक है। प्लांटी को देखिए, ये आपको देवदार समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये आपके समझ में आएगा। फंगाई जो है आपका ईस्ट समझ में आ रहा होगा। मोनेरा जो है आपका सीनोबैक्टीरिया होना चाहिए, और प्रोटिस्टा जो है आपका पैरामीशियम होना चाहिए। इस हिसाब से आंसर देखिए इसका बी होना चाहिए, मतलब फर्स्ट का ई है, बिल्कुल है, ठीक है, और फिफ्थ का क्या है, ए है। देखिए किसमें, फर्स्ट का ई और फिफ्थ का ए, एक ही में है, और बी आपका आंसर है, वही है आपका आंसर, ठीक है, सेकंड का डी, थर्ड का सी और फोर्थ का बी है। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इसमें बोल रहा है प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन आर थैलोफाइटा। देखिए कंटेक्चुअल चीज है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसको देख जाइएगा। सेकंड वन लिखा है, व्हेन द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड व्हाट, ब्रायोफाइटा बोलते हैं इसको। बिल्कुल सही है, ये सही, बिल्कुल सही डिफाइन कर रहा है ये, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की डेफिनेशन ही लिखी हुई है ताकि आप इसको समझ सकें, इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। थर्ड वन है, व्हेन द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स एंड हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू, मतलब इनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, किस लिए, कंडक्शन ऑफ वाटर, इट फॉल्स अंडर द, क्या बोलते हैं इसको, टेरिडोफाइटा बोलते हैं ना, टेरिडोफाइटा बोलते हैं, पीस में आपका क्या रहता है, साइलेंट है, टेरिडोफाइटा बोलते हैं, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, 35th नंबर का क्वेश्चन, प्लांट्स विथ वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फेनेरुगम्स, बिल्कुल सही है ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखा है, द प्लांट्स विच बियर नेक्ड सीड्स एंड आर यूजली पेरिनियल एवरग्रीन एंड वुडी आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। नहीं, ये जिम्नोस्पर्म को बता रहा है और लिख एंजियोस्पर्म रहा है, तो उल्टा लिख दिया, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा वाला देखते हैं, इन जिम्नोस्पर्म्स द सीड्स डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन्स विच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। देखिए ये एंजियोस्पर्म को बता रहा है, दोनों उल्टा लिखा है, जहां पर एंजियोस्पर्म को लिखना चाहिए वहां जिम्नोस्पर्म, और जहां जिम्नोस्पर्म को लिखना चाहिए वहां एंजियोस्पर्म, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। सेकंड एंड थर्ड, ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, ओनली वन जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो बस आपका करेक्ट है, तो इनकरेक्ट हो गया 2 एंड 3, तो ए आपका आंसर हो गया, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज आर मतलब वर्टिब्रेट्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बर्ड है, मैमल्स है, फिश है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, ये ऑल आपके बिल्कुल सही है, ऑल इसका आंसर होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, नेक्स्ट है अपना, इट इज पॉसिबल फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली चेंज इट्स डायरेक्शन
और मोशन। देखिए ये क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही ऐसा हो सकता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा लिखा है मोशन ऑफ मून एंड द अर्थ इज एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए उसी के बारे में, वो उसी को रिलेट कर रहा है। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर हो गया सी बोथ। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। पहला पूछ रहा है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। एंड जो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। दूसरा लिखा स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट्स, उसको क्या बोलते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर पर सेकंड, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड देखते हैं अपन, देखिए दो ही स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और पूछ क्या रहा है इनकरेक्ट, तो इसका आंसर हो गया आपका नन, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देयर हैज बीन इस्टेब्लिश्ड थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपने सुना होगा ना, बिल्कुल आपने सुना होगा, है ना। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, ये जो आपने सुनी होंगी तीन, वही उसी के बारे में बात कर रहा है। और दूसरा लिखा डिस्टेंस कैन भी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी हो सकता है। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर होना चाहिए सी बोथ, करेक्ट ही पूछ रहा है ना, बिल्कुल। और वही सब लिखा हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन में। नया देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसमें दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स का मतलब यह है कि इक्वली अपोजिट जो भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के है, तो कैसे वो मूव करेगा, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, है ना, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है वेन द अप्लाइड फोर्स इज इन बैलेंस इट कैन कॉज चेंज इन द स्टेट, बिल्कुल सही है। एक तरफ से अगर 8 न्यूटन का लग रहा हो और एक तरफ से 18 का, ठीक है, तो क्या होगा, इस जिस तरफ ज्यादा बल लग रहा होगा, ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, उस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी कौन सी, जो भी बॉडी बॉडी होगी, ठीक है, और वो रेस्ट की जगह मोशन में आ जाएगी। तो दोनों आपके सही है, बोथ इसका आंसर होना चाहिए। पूछ भी क्या रहा है, पूछ भी रहा आपका कि करेक्टली कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है, बोथ इसका आंसर है सी। नेक्स्ट वन देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। बिल्कुल सही बात है ना, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है न्यूटन का, है ना, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का वही है, ठीक है ना, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है जिसमें है वो उसी में रहना चाहती है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसी को बोलते हैं। सेकंड वन लिखा है ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर होना चाहिए सी बोथ, और वही है। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, नेक्स्ट वन है हमारा, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। बिल्कुल वही है जो अपन ने ऊपर बात की प्रीवियस क्वेश्चन में, हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्ज इनर्शिया, बिल्कुल सही है, वो मास पे डिपेंड करता है। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका भी आंसर होगा सी बोथ। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा लिखा है द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और तीसरा लिखा एप्लीकेशन ऑफ एन मतलब एन अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ मोमेंटम, और फोर्थ लिखा है आपका फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज। देखिए ऑल स्टेटमेंट्स इसके आपके बिल्कुल सही है, तो आंसर हो गया आपका 1, 2, 3, 4, ये आपको मोमेंटम के बारे में ही बता रहा है, बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी, इसको देख जाइएगा, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, 1, 2, 3, 4 ए इसका आंसर है। नेक्स्ट वन देखेंगे, द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, विच हैज द सिंबल क्या, न्यूटन। अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम, वो उसी को डिफाइन कर रहा है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हैं, इसका आंसर हो गया आपका सी, बिल्कुल कंटेक्चुअल लिख दिया है सीधा सीधा। और उसके बाद है व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स मतलब एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट्स अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहा है, किसके, न्यूटन के। और दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। और थर्ड वन क्या लिखा है, दीज फोर्सेज एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन डिफरेंट, बिल्कुल गलत है ये हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में ही लगते हैं। और लास्ट स्टेटमेंट है द टू अपोजिंग फोर्स आर ऑल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, बिल्कुल सही है। थर्ड वन आप एलिमिनेट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, आपका आंसर 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, वेन अ बॉडी
इज इन अ सर्कुलर मोशन, देयर इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स मून वुड परस्यू अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है ना, इसी के कारण तो वो अपना जो यूनिफॉर्म सेलुलर जो उसका सर्कुलर मोशन है उसको बनाए रख पाता है वो, तो सेंट्रल लाइन मोशन इंस्टेड ऑफ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर हो गया सी, बोथ करेक्ट पूछ रहा था। नेक्स्ट वन देखेंगे, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स विच इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल सही है, ये भी डेफिनेशन ही बता रहा है। सेकंड वन देखेंगे, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट्स, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा लिखा है, द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो बोल रहा है कि विच ऑफ द अबव करेक्टली एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बिल्कुल तीनों के तीनों वही आपके लॉ लिख दिया है और तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, इसमें लिखता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और जी हैज वैल्यू इक्वल टू 6.673 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, बिल्कुल सही है ये, और पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, द वैल्यू ऑफ जी वॉज फाउंड आउट बाय न्यूटन, देखिए ये गलत है आपका, न्यूटन ने इसको फाउंड नहीं किया था। दूसरा आपका इनकरेक्ट हो गया, तो इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, तो ओनली टू इनकरेक्ट है, आंसर हो गया बी। और जो जिन्होंने इसे फाउंड किया था, जो ये द वैल्यू ऑफ जी है, उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन देखेंगे, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्स के जी ऑन अर्थ, इट्स मास ऑन मून विल बी 1/6 ऑफ एक्स के जी, ठीक है। और दूसरा लिखा, इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्स के जी ऑन मून, इट्स वेट ऑन अर्थ विल बी 6x, ठीक है। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोनों, लेकिन जो पहला वाला ना, इसमें क्रक्स मास लिखा हुआ है, जो मास रहता है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन जो वेट है वो बिल्कुल सही है कि जितना अर्थ में होता है उसका 1/6 आपका कहाँ हो जाता है, मून में। तो कौन सा आपका इनकरेक्ट है, पहला वाला आपका इनकरेक्ट है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है आपका, तो आपका आंसर हो गया क्या, इनकरेक्ट पूछा, ओनली 1A, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन पास्कल, डिनोट करते हैं पीए से, बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है, ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ बुयोंसी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन अ फ्लूड, ये भी आपको पता है, बिल्कुल सही है ये। थर्ड वन देखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बुयोंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूड, बिल्कुल सही बात है ना, उसकी डेंसिटी पे ही डिपेंड करता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बियॉन्ड फोर्स का, ठीक है। तो कौन से करेक्ट है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर हो गया 1, 2, 3 ऑल। नेक्स्ट वन देखेंगे, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स फुल्ली और पार्शली इन अ फ्लूड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, बिल्कुल लगता है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है ना, इसी में तो ये इसी के तो प्रिंसिपल पे चलती है। नाउ अपन मतलब क्लासेस में भी पढ़ते थे एनसीईआरटी में, मतलब बचपन में भी पढ़ा अपन ने कि नाव कैसे, मतलब लोहे से बनी नाव कैसे पानी पे तैरती है जबकि लोहा उस पे डूब जाता है, तो वो यही है कॉन्सेप्ट। दूसरा लिखा है कि दिस कॉन्सेप्ट कैन बी यूज इन लैक्टोमीटर्स विच आर यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ मिल्क, हाइड्रोमीटर्स यूज फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, ठीक है, और ट्रू ही पूछ रहा है, तो आंसर हो गया सी बोथ। नेक्स्ट मीन, और इसी को बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बोलते हैं, वही लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट वन देखेंगे, द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बिल्कुल सही है, रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, देखिए रिलेटिव डेंसिटी दो डेंसिटीज के बीच का ही तो रिलेशन निकालते हैं, उसी को रिलेटिव बोलते हैं, जब रेशो निकालते हैं तो यूनिट यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगी, इसलिए ये इसके पास कोई यूनिट नहीं होती। तो कौन सा करेक्ट है आपका, बोथ आर करेक्ट, तो आंसर हो गया सी बोथ। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, ग्रेविटेशन इज अ वीक फोर्स अनलेस लार्ज मासेज आर इन्वॉल्व, बिल्कुल सही है, जब तक लार्ज मासेज इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक ग्रेविटेशन जो है आपका वीक फोर्स है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, बिल्कुल ठीक है, ग्रेविटी इज हायर ऑन पोल्स देन ऑन इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, 1, 2, 3 सी। नेक्स्ट वन देखेंगे, When is it said that work is done in scientific terms? ठीक है, scientific terms में कैसे बोलेंगे कि work is done? तो पहला लिखा है, a force should act on an object, बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है कि object must be displaced, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, direction of motion must be changed, देखिए must be changed, जिधर जिस direction में force लगेगा ना वहीं पे वो उसी direction में वो displaced होगी, ठीक है। तो आपका first and second सही है, third one गलत है, तो answer हो गया आपका क्या, ठीक है, 1 और 2 ए होना चाहिए आंसर, और ए ही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पहला लिखता है वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, बिल्कुल सही है ये। और दूसरा लिखा है यूनिट ऑफ वर्क डन इज
न्यूटन मीटर और जूल, बिल्कुल सही है। तीसरा लिखा है एनर्जी हैज द सेम यूनिट एज वर्क, ये भी बिल्कुल सही है। द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल सही है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। क्या वर्क डन बाय अ फोर्स, ठीक है, वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया, वर्क जो है वो सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है और नो डायरेक्शन होता है, लेकिन वर्क डन जो होता है ना बाय फोर्स, वो आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो आंसर हो गया 1, 2, 3, 4, ठीक है, वही लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही है ये। और दूसरा लिखा है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि द पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस्ड बाय, मतलब पॉजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही है। तीसरा लिखा द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसमोशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो हो जाता है, ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यही तो है आपका एनर्जी कंजर्वेशन वाला आपका क्या लॉ। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर हो गया 1, 2, 3। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, इसमें लिखा है द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, बिल्कुल सही है ये। दूसरा लिखा है पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा लिखा है द एनर्जी यूज इन हाउस होल्ड इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट आर यूजली एक्सप्रेस्ड इन जूल, देखिए ये गलत लिखा है, ये किलो वाट में मतलब एक्सप्रेस्ड किया जाता है, जूल में नहीं किया जाता, जहाँ कमर्शियल पर्पज के लिए यूज़ की जाती है एनर्जी। तो थर्ड वन आपका गलत है, फर्स्ट और सेकेंड आपका सही है। तो क्या आप पूछ रहे हैं इनकरेक्ट, ओनली थ्री इज इनकरेक्ट, तो आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट देखेंगे अपन, साउंड वेव्स आर प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स जस्ट लाइक लाइट वेव्स, नहीं देखिए दोनों अलग अलग चीज़ है, लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट वन लिखा है इन साउंड वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस, बिल्कुल सही है, इसीलिए तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोला जाता है। तीसरा लिखा है द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे सिंपली ऑसिलेट, ठीक है, वो ऑसिलेशन ही करते हैं बैक एंड फोर्थ कि अबाउट देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट इन द ट्रेवलिंग ऑफ साउंड वेव्स, तो ठीक है आपका जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, पहला आपका गलत है। तो आंसर हो गया क्या 2 एंड 3, बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, इन अ ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स ऑसिलेट अप एंड डाउन अबाउट देयर मीन पोजिशन एज दे एज द वेव ट्रेवल्स, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव के बारे में बता रहा है, ठीक है। दूसरा लिखा है अ ट्रांसवर्स वेव इज द वन इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव अबाउट देयर मेन पोजिशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा लिखा है लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, बिल्कुल सही है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर हो जाएगा ऑल 1, 2, 3, ए में दिया है, बिल्कुल ए ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, इन प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव्स रेयर फिक्शन आर रीजन्स वेयर डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर इज हाई, देखिए ये उल्टा लिखा है, ये कंप्रेशंस में ऐसा होता है कि जहां पर डेंसिटी और प्रेशर दोनों हाई होता है, तो ये गलत हो गया। कंप्रेशंस आर द रीजन्स ऑफ लो प्रेशर वेयर पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट, ये देखिए उसके बारे में लिखा है, किसके, रेयर फैक्शन के, तो दोनों उल्टा लिखा हुआ है, दोनों स्टेटमेंट्स आपके गलत है। तीसरा देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव क्या है रेयर फैक्शन इज कॉल्ड व्हाट, वेवलेंथ, बिल्कुल सही है, एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, बिल्कुल सही है। थर्ड और फोर्थ आपका सही है, वन और टू आपने एलिमिनेट कर दिया, तो वैसे ही आंसर आ जाता आपका 3 एंड 4, डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ मिक्सचर ऑफ अ सेवरल फ्रिक्वेंसीज इज कॉल्ड अ नोट, बिल्कुल सही है। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, बिल्कुल सही है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर होना चाहिए ऑल, देखते हैं कहाँ पर है, ट्रू पूछ रहा है, और बिल्कुल सी 1, 2, 3 इसका आंसर होना चाहिए, और सी इसका आंसर है। नेक्स्ट वन देखेंगे, वेन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ साउंड इट इज सेड टू बी ट्रेवलिंग एट सुपरसोनिक स्पीड, बिल्कुल सही बात है ना, सुपरसोनिक जो स्पीड होती है उसी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। दूसरा लिखा है कि द एयर प्रेशर वेरिएशन एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ शॉक वेव्स, ठीक है, जब ये सुपरसोनिक स्पीड से कोई भी ट्रैवलिंग होती है तो उसमें से शॉक वेव्स निकलती हैं, ठीक है, और वो बहुत शार्प होती हैं और लाउड होती हैं, और इसी को बोला जाता है सोनिक बूम, और वो डैमेज कर सकती हैं बिल्डिंग्स में भी, वही लिखा हुआ है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और करेक्ट पूछ रहा है, तो इसका बोथ आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वन देखेंगे,
इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस. बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है. दूसरा जो है द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स. बिल्कुल सही है, मैंने बताया था साउंड की जो सबसे ज्यादा स्पीड होगी किस पे होगी, किस पे होगी, सॉलिड पे, देन लिक्विड पे, देन गैस पे. क्यों? क्योंकि डेंसिटी पे डिपेंड करता है. वही वो लिख रहा है कि मीडियम की प्रॉपर्टी कैसी होगी उस पर डिपेंड करेगी उसकी स्पीड भी, ठीक है. नेक्स्ट वन देखेंगे द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑल्सो ऑन प्रेशर ऑफ द मीडियम. बिल्कुल सही बात है ना, डेंसिटी भी करेगा तो प्रेशर पे करेगा ही. तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. और इसमें पूछ क्या रहा है विच इज विच ऑफ द अबव इज करेक्ट, तो ऑल इसका करेक्ट होगा. लेकिन ये क्या लिख रहा है, सी, मतलब पहले कोई गलत लिख रहा है. बिल्कुल गलत है ये, आप मिसप्रिंट है हो गया होगा, आप सुधार लीजिएगा. इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस, ये भी बिल्कुल सही है. देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में भी अपन देख लेते हैं, लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस वेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट. ये तो ठीक है. इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब अपन टेम्परेचर को किसी भी मीडियम में इंक्रीज करेंगे तो द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस. तो इसका मतलब क्या हो गया, मिसप्रिंट हो गया होगा. इसका आंसर होगा आपका बी, 1, 2, 3, सुधार लीजिएगा, ठीक है. 64th नंबर का क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट वन देखेंगे, साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड, ठीक है. दूसरा लिखा है टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको. इको साउंड तो आपको समझ में आता होगा. द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी एट लीस्ट 1 सेकंड. देखिए ये गलत है, कंटेक्चुअल जानकारी 0.1 सेकंड होता है, ठीक है. आप इसी को एलिमिनेट कर दीजिए, सेकंड ऑप्शन को, ठीक है. तीसरा लिखते हैं कि फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इकोज, जो डिस्टिंक्ट इकोज आ रहे हैं उनको सुनने के लिए द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी 17.2 मीटर. बिल्कुल सही है, ये 17.2 मीटर ही होना चाहिए. थर्ड वन बिल्कुल सही है आपका. और फोर्थ स्टेटमेंट आपका लिखा है कि रिवर्बरेशन आर यूजली यूजफुल टू अस इन सेवरल वेज. नहीं होता रिवर्बरेशन, कभी भी ये यूजफुल नहीं होता. और इसी से अपन क्या करते हैं, बचने के लिए जो है वो साउंड प्रूफ आर्किटेक्चर बनाते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस और अन्य चीज़ों का उपयोग करके, है ना. क्या बनाते हैं अपन, साउंड प्रूफ आर्किटेक्चर बनाते हैं ताकि रिवर्बरेशन से बचाव किया जा सके, ये है ना. तो फोर्थ आपका गलत हो गया, और आपका कौन सा गलत हो गया, सेकंड तो सही, क्या हो गया, वन एंड थर्ड. तो आपसे पूछा क्या है, विच आर करेक्ट, तो वन एंड थर्ड आपका सही है, ठीक है. इसके जो एक्सप्लेनेशन में भी यही सब लिखा हुआ है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्रोनिम सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड सोनार रेंजिंग. बिल्कुल सुना होगा आपने, सोनार भी सुना होगा, स्टेल्थ भी सुना होगा. सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस इंफ्रासोनिक वेव्स. देखिए ये इंफ्रासोनिक बस गलत लिखा है, ये अल्ट्रासोनिक होगा आपका. क्या होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं ये, इंफ्रासोनिक का नहीं है. तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया. टू मेजर द डिस्टेंस डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट. बाकी पूरा सही है, सिर्फ ये वेव्स का नाम गलत लिख दिया. तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है. तीसरा लिखा है सोनार यूजेज इको रेंजिंग टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ सी. बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट और थर्ड आपका सही हो गया. देखिए कहां पे है, सी में है. इसका आंसर सी है, 1 एंड 3, ठीक है. नेक्स्ट वन देखेंगे, We hear through the vibrations of our ear drum. ठीक है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है. ये अपने जो ईयर का स्ट्रक्चर है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. द वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम आर एम्प्लीफाइड सेवरल टाइम्स बाई 3 बोन्स. कौन कौन सी है वो, द हैमर है, एनविल है और स्टिरप है, ठीक है, इन द मिडिल ईयर, ठीक है. देन क्या होता है, द बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर आर द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना. जो मिडिल ईयर में जो होती है ना, ये वो स्मॉलेस्ट बोन है, किसमें, अपनी ह्यूमन बॉडी में. देन इन द इनर ईयर द प्रेशर वेरिएशन are turned into what, electrical signals by the cochlea, ठीक है. तो all statements are right, इसका answer होना चाहिए all. देखे कहां पर है, B में है, 1, 2, 3, 4 इसका answer है. Next one देखेंगे अपन, disease where microbes are the immediate causes are called what, infectious disease. बिल्कुल सही है ये, है ना, बिल्कुल सही है. दूसरा लिखा है लेशमानिया, एक प्रोटोजोआ होता है और इसके कारण क्या होता है, कॉजेस काला आजार, ये भी बिल्कुल सही है. तीसरा लिखा है ये जो ट्रिपैनोसोमा है इसके कारण क्या होता है, ये भी प्रोटोजोआ है और इससे स्लीपिंग सिकनेस होता है. तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर हो गया ऑल, 1, 2, 3 होगा इसका आंसर. नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, लिखा है विच ऑफ दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक. और आपको एक्सोथर्मिक के बारे में पता ही होगा, पहला जो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बिल्कुल सही है. रेस्पिरेशन भी सही है. डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी ठीक है, कंपोस्ट बनेगा तो भी होगी. और फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम बाई एडिंग वाटर टू क्विक लाइम, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 डी. नेक्स्ट वन देखेंगे, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन
ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं, और इसी के जब अपोजिट होगा कि सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस, और जब दोनों एक साथ होगी तो उसी को बोला जाएगा ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन, जो तीसरे स्टेटमेंट लिखा है, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, दे आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ये बिल्कुल डेफिनेशन लिखी गई है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर होगा ऑल करेक्ट ही पूछ रहा है, 1, 2, 3 इसका आंसर है, नेक्स्ट वन देखेंगे, ऑल बेसिस डिजॉल्व इन वॉटर, नहीं भैया ऐसा नहीं होता, ऑल बेसिस डोंट डिजॉल्व इन वॉटर, ये आपका गलत है, दूसरा लिखा है एन एल्कली इज एन एसिड दैट डिजॉल्व इन वॉटर, देखिए एल्कली भी लिखा और एसिड भी, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, ये बेस होना चाहिए, तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, तीसरा लिखा है द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वॉटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक, बिल्कुल सही बात है, थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, पूछ क्या रहा है ये, देखिए फोर्थ भी बचा हुआ है, फोर्थ में है बेस जनरेट्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन वॉटर, है ना, जब बेस होता है, जो बेस होता है वो रिएक्शन करके क्या बनाता है, OH माइनस, और एसिड क्या देता है, H3O प्लस और H प्लस बोलते हैं उसको, तो आपका फोर्थ भी सही हो गया और थर्ड भी सही हो गया, पूछ क्या रहा है करेक्ट कौन से, तो थर्ड और फोर्थ सही है, आपका डी आपका आंसर हो गया, नेक्स्ट वन देखेंगे अपन Which of these is correct? पहला लिखा है The pH of a neutral solution is 7. बिल्कुल सही बात है ना? Neutral solution का pH कितना होता है? 7 होता है. फिर 7 से अगर कम होगा तो वो क्या होता है? Acidic solution माना जाता है. ठीक है? और 7 से अगर 14 के बीच में indicate कर रहा है तो वो basic solution माना जाता है. और our body works within the pH range of 7 to 7.8. यही लिखा हुआ है. All statements are right. इसका answer हो गया 1, 2, 3, 4, A. Next one देखेंगे अपन. मैच द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आप नॉर्मली भी देख पाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है और जिप्सम है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर आप सबको पता होगा CaOCl2 है, देखिए फर्स्ट का सी किस में है, दो में है, ठीक है, दो में है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है आपका, ये है आपका CaSO4 हाफ H2O है आपका, ठीक है, तो 2 का आपका D हो गया और फर्स्ट का आपका C हो गया, देखिए किसमें फर्स्ट का C और 2 का D, आपका C आंसर हो गया, लेकिन आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, जो आपका वॉशिंग सोडा है ये कौन सा है Na2CO3, सबको पता होगा 10H2O, और जो आपका बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 होता है, ठीक है, तो सी में देखिए फोर्थ का ए दिया होगा, जिप्सम बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, CaSO4 प्लस 2H2O होता है, तो ये फैक्चुअल जानकारी आप इसको देख जाइएगा, इसका आंसर होगा सी, नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है ये, दूसरा लिखा है एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ कॉपर, देखिए ये गलत लिखा है, ये एल्यूमिनियम के कंटेक्स में होता है एनोडाइजिंग, ये लिखा है यहाँ पर कॉपर, ये आपका गलत हो गया, दूसरे को आप एलिमिनेट कर दीजिए, देखिए कहाँ पहुँचते हैं आपका 1, 3, 4 और बच जाएगा, पहला आपका खत्म हो जाएगा और आपका सी खत्म हो जाएगा, ठीक है, और पहला आपका क्या था, सही है 3, 4 देख लीजिए, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विथ स्टीम, बिल्कुल सही बात है, फोर्थ आपका ऑप्शन है मेटल्स सच एज लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, ठीक है, तो दूसरा बस आपका गलत है, बाकी 1, 3, 4 सही है, इसका आंसर होना चाहिए बी 1, 3, 4, नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 1:3, देखिए पूरा सही लिखा हुआ है लेकिन ये रेशियो आपका गलत लिखा हुआ है, ये 3:1 का रेशियो होता है, ये 1:3 लिखा गया है, किसका कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड किसका नाइट्रिक एसिड का, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, और यही वो क्या है मिक्सचर है जो डिसॉल्व कर सकता है गोल्ड को, लेकिन मिक्सचर कर सकता है, इसमें लिखा है सिंस बोथ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन, नहीं भैया अकेले नहीं कर सकता, ये मिक्सचर ही कर सकता है, तो सेकंड वन आपका गलत हो गया, थर्ड वन देखते हैं एक्वारेजिया इज अ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, सिर्फ पहला सही है आपका, और मतलब थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है और पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, 1 और 2 आपका इनकरेक्ट है, आंसर हो गया बी, नेक्स्ट वन देखेंगे, इसमें लिखा है पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन आयरन, बिल्कुल सही बात है ये, दूसरा लिखा है द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज मतलब आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, ये बिल्कुल सही है, तीसरा लिखा आयनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखिए ये उल्टा लिखा है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका, तो तीसरा बस गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, देखते हैं कहां पर ए में है और ए ही इसका आंसर होगा 1 और 2, नेक्स्ट वन देखेंगे अपन Which of the following is our correct? और इसमें बोल रहा है एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल
एंड नॉन मेटल, बिल्कुल सही है। इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन द एलॉय इज नोन एज वॉट, एमालगम। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। नेक्स्ट वन देखते हैं, और द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल्स, ये भी ठीक है। और नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, ब्रॉस इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है। ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? कॉपर एंड टिन का। और शोल्डर किसका एलॉय है? लेड एंड टिन का। प्योर गोल्ड इज सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, देखिए ये गलत है। जो प्योर गोल्ड होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और वो ज्वेलरी बनाने के लिए क्या सुटेबल नहीं होता, इसीलिए 22 कैरेट का मतलब क्या होता है कि 22 कैरेट तो उसमें सोना है और जो गोल्ड है और जो 2 कैरेट बचा है उसमें अपन सिल्वर या कॉपर जैसे मेटल्स को मिलाते हैं ताकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए, ठीक है। तो फिफ्थ बस आपका गलत है और 1, 2, 3, 4 आपका सही है। तो आंसर हो गया 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक वॉट? कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम, बिल्कुल सही है। दूसरा है, सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही है। तीसरा लिखा है, द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए ये गलत लिखा है, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें तो कोई भी आयंस ही नहीं होते क्योंकि वो बॉन्ड बना लेते हैं, है ना, तो चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, इसलिए तीसरा गलत है आपका। 1 और 2 सही है, तो करेक्ट पूछ रहा है तो आंसर 1 और 2 होना चाहिए और आंसर बी है। नेक्स्ट वन देखेंगे, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3-dimensional structure, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट वन है, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन देखेंगे, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, आपको पता है लुब्रिकेशन वगैरह में यूज होता है किसका? ग्रेफाइट का। नेक्स्ट वन देखेंगे, जो फुलरिन्स होता है, ठीक है, ये भी एक तरीके का क्या है? कार्बन का एलोट्रोप है विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल और क्लोज्ड मैच। ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर होना चाहिए 1, 2, 3, 4, ऑल है डी में है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिवन राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट? कैटेनेशन, बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन किया इसने, कैटेनेशन की डेफिनेशन ही है ये। दूसरा लिखा है, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोकार्बन, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन देखेंगे, अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्काइन्स और दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्किन्स, देखिए ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और जो फोर्थ लिखा है, इफ द फंक्शनल ग्रुप इज एल्कोहल इन अ कार्बन कार्बन इट यूजेज द सफिक्स, जैसे प्रिफिक्स होता है ना सफिक्स, तो सफिक्स यूज किया जाता है एल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए क्या? ऑल। तो 1, 2, 4 आपका सही होगा, आंसर आपका 1, 2, 4 है, बी है। और देखिए आप समझिए, जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है ना वो, तो जो एल्कोइन होते हैं वो आते हैं आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन्स आते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड होते हैं और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं जिसको एल्कीन और एल्काइन्स बोला जाता है। ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे,